हरियाणा विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज से हुआ शुरू। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय के अभिभाषण के साथ शुरू हुई कार्यवाही। नौकरी नहीं मिलने पर सीईटी पास युवाओं को 9000 रुपए प्रतिमाह मानदेय का किया ऐलान। सदन की कार्यवाही के पहले दिन मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण व कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पढ़े शोक प्रस्ताव, दिवंगत हस्तियों को दी श्रद्धांजलि। बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने तय की गाइडलाइन, एक्शन से पहले नोटिस देना जरूरी, नोटिस में नियमों के उल्लंघन का जिक्र भी जरूरी। और सीजन के पहले कोहरे के साथ एनसीआर सहित स्मोक की चपेट में समूचा उत्तर भारत, हरियाणा में धुंध के चलते जनजीवन पर पड़ा असर, दृश्यता में भी आई कमी। नमस्कार, मैं हूं पायल, अब समाचार विस्तार से। हरियाणा विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज से राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय के अभिभाषण के साथ शुरू हो गया है। राज्यपाल ने सबसे पहले सदन में पहली बार चुनकर आए 40 विधायकों का स्वागत किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि प्रदेश में तीसरी बार भाजपा सरकार बनी है, नई सरकार राज्य का विकास, देश का विकास की धारणा के साथ आगे बढ़ेगी व संकल्प पत्र को आधार बनाकर काम करेगी। राज्यपाल ने कहा कि सरकार ने तय किया है कि खजाने से निकला हर पैसा लोगों के काम आए। हरियाणा देश का पहला राज्य है जहां 24 फसलें एमएसपी पर खरीदी जाती हैं। हमारी सरकार किसानों को आत्मनिर्भर बनाने पर काम कर रही है, साथ ही युवाओं को बिना पर्ची और बिना खर्ची नौकरियां भी दे रही है। सरकार अब 2 लाख युवाओं को नौकरी देने की दिशा में काम कर रही है। खेलों में भी हरियाणा देश का नाम विश्व में रोशन कर रहा है। राज्यपाल ने ऐलान किया कि सीईटी पास अभ्यर्थियों को यदि नौकरियां नहीं मिलती है तो उन्हें 9000 रुपए प्रति माह मानदेय दिया जाएगा। इसके अलावा ग्रुप सी व डी की महिला कर्मचारियों को मनचाहे जिलों में तैनाती भी दी जाएगी। सरकार ने ग्रुप सी व डी की भर्तियों में इंटरव्यू को खत्म किया है, साथ ही योग्यता के आधार पर भर्ती अभियान चलाकर बिना खर्ची बिना पर्ची के 1,70,000 से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी देकर उनका मनोबल बढ़ाया। मेरी सरकार ने हाल ही में 26,000 युवाओं को सरकारी नौकरी देकर चुनावों से पूर्व किए अपने वादे पर खरा उतरने का काम किया है। मेरी सरकार 2 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देने के लिए संकल्पबद्ध है। इसके अलावा 5 लाख युवाओं के लिए अन्य रोजगार के अवसर दिए जाएंगे। सीईटी की परीक्षा पास करने वाले सभी युवा जिनको 1 साल में नौकरी नहीं मिलेगी उन्हें अगले 2 वर्ष तक 9000 रुपये मासिक दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि सरकार ने बिजली का मंथली मिनिमम चार्ज खत्म किया है, 1 लाख गरीब परिवारों को बिजली बिलों से मुक्ति दिलाने का काम भी किया है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के मंत्र को हरियाणा सरकार पूरी तरह से ग्राउंड पर उतार कर काम कर रही है। विधानसभा का यह सत्र 18 नवंबर तक चलेगा। हरियाणा विधानसभा के सत्र के पहले दिन सदन में पिछले सत्र और इस सत्र की अवधि के दौरान मृत्यु को प्राप्त हुए महान विभूतियों, स्वतंत्रता सेनानी और शहीद जवानों के सम्मान में शोक प्रस्ताव पढ़े गए और शोक संतप्त परिवारों के सदस्यों के प्रति हार्दिक संवेदना व्यक्त की गई। सर्वप्रथम सदन के नेता मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शोक प्रस्ताव पढ़ा। इनके अलावा विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण और भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपनी पार्टी की ओर से भी शोक प्रस्ताव पढ़कर श्रद्धांजलि दी। सदन के सभी सदस्यों ने खड़े होकर 2 मिनट का मौन रखा तथा दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना भी की। 13 अप्रैल 2024 को हुए दुखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है। उनका जन्म 15 दिसंबर 1945 को हुआ। वे वर्ष 1970, 1982, 1987, 1996 तथा 2000 में 5 बार हरियाणा विधानसभा के सदस्य चुने गए। वे वर्ष 1990-91 के दौरान राज्य मंत्री रहे। उन्हें मंत्रिमंडल में रहते हुए जन स्वास्थ्य, समाज कल्याण तथा अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण जैसे महत्वपूर्ण विभाग संभालने का गौरव हासिल हुआ है। यह सदन दिवंगत के शोक परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी संवेदना प्रकट करता है।
विधानसभा सत्र शुरू होने से पहले आज मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में भाजपा विधायक दल की बैठक हुई, जिसमें सत्र को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। इस शीतकालीन सत्र के दौरान सरकार द्वारा कई अहम विधेयक पेश कर सकती है। वहीं इस सत्र में कांग्रेस बिना नेता प्रतिपक्ष के उतरी है, जिसकी बड़ी वजह कांग्रेस की राज्य में हार और उनके नेताओं की आपसी गुटबाजी है। राज्यपाल की अभिभाषण के बाद कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि विपक्ष द्वारा नेता प्रतिपक्ष न चुने जाना कोई पहली बार नहीं हुआ है। पहले कर्नाटक में बिना विपक्ष नेता के सदन चला है। हमने अपना फैसला हाईकमान को भेज दिया है। अभी होगा, पार्टी ने प्रस्ताव करके दे रखा है हाईकमान को, बन जाएंगे। ये कौन सवाल उठा रहा है इस बात? कोई इनफाइटिंग है क्या सर? और कोई इनफाइटिंग नहीं। कर्नाटक में इनफाइटिंग थी क्या? मई में सिद्धारमैया मुख्यमंत्री बने, नवंबर में लीडर ऑफ ऑपोजिशन चुना गया था। कोई दिक्कत नहीं है, अपने प्रस्ताव पास करके हाईकमांड में छोड़ रखा। वहीं इनेलो विधायक अर्जुन सिंह चौटाला ने कहा है कि वे जनता से जुड़े सभी मुद्दे पुरजोर तरीके से विधानसभा में उठाएंगे। गवर्नर्स एड्रेस वाले दिन होती नहीं है, लेकिन अभी तो सत्र चलेगा, अभी दो दिन और है, इसके बाद भी लगातार हमारा यही प्रयास है। हमने प्रदेश के बड़े अहम मुद्दे हैं, उन सभी पर हमारा ये प्रयास है, हर मुद्दे पर लंबे समय तक चर्चा होनी चाहिए। डीएपी भी है, इसके अंदर पराली जलाने पर जो बैन लगाया है किसानों पर, उस पर भी चर्चा हम करेंगे। इसमें हम प्रदेश की बिगड़ती लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पर, बढ़ते डेंगू पर, बढ़ती बेरोजगारी पर, पीने के पानी की कमी पर, हरियाणा ड्राई स्टेट है जैसे कि आपको पता है, पानी के मामले में हम ड्राई स्टेट है, हमारे कोई नेचुरल रिवर्स नहीं फ्लो करती स्टेट के बीच में से, जिसका हमारे पूरा हक मिल सके। तो मुद्दे बहुत है, हमारे प्रयास यही है कि इन सब पे चर्चा करने का काम करें। वहीं राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान कांग्रेस नेता गीता भुक्कल, इनेलो विधायक आदित्य चौटाला ने सरकार पर किसानों की अनदेखी के आरोप लगाते हुए कहा कि प्रदेश में डीएपी की कमी है, सरकार ने अपने बनाए घोषणा पत्र पर काम नहीं किया, विपक्ष के क्षेत्र के साथ सरकार भेदभाव कर रही है। इससे पहले विधानसभा के नव निर्वाचित विधायकों के लिए कल हरियाणा निवास में प्रारंभिक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम को विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, विधानसभा के पूर्व अतिरिक्त सचिव राम नारायण यादव ने भी संबोधित किया। इस सत्र में पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च की विशेषज्ञ चक्षु राय ने विधायकों को विधायी कामकाज की बारीकियां बताई। भविष्य में प्रशिक्षण का बड़ा कार्यक्रम भी किया जाएगा। हरविंदर कल्याण ने कहा कि संविधान ने जन प्रतिनिधियों को सम्मानजनक स्थान दिया है, विधान मंडलों को सर्वोच्च शक्तियां प्रदान की गई है, यह व्यवस्था अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का बड़ा आदर्श रूप बनने के साथ साथ जनता की आवाज का सशक्त माध्यम है। उन्होंने कहा कि प्रश्नकाल, शून्यकाल, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव आदि के तकनीकी पक्ष जानना बहुत जरूरी है। आने वाले बजट सत्र से पहले दो दिन का प्रशिक्षण सत्र भी आयोजित किया जाएगा। उन्होंने खासकर नए सदस्यों को आह्वान किया कि वे प्रशिक्षण को लेकर गंभीरता बरतें। वहीं कार्यक्रम में पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी अपने अनुभव साझा करते हुए कहा कि विधानसभा प्रजातंत्र का सर्वोच्च मंदिर है, सभी सदस्य लाइब्रेरी में समय जरूर बिताएं, विधायक बनना ही काफी नहीं होता, इससे आगे क्या करना है, किस तरह से आमजन की आवाज को उठाना है, इस बात का ध्यान रखना भी जरूरी है। उन्होंने विधायकों को शालीनता भरा व्यवहार रखने का आह्वान किया। बाद में कैबिनेट मंत्री रणबीर सिंह गंगवा ने बताया कि कार्यक्रम में विधायकों को सत्र से संबंधित दी जानकारियां हैं, जो कि एक बेहतरीन पहल है कि किस तरीके से हमने आगे सेशन जो है चलाना है, एक अच्छी परंपरा मैं इसको कहूंगा। वहीं कांग्रेस नेता गीता भुक्कल ने कहा कि यह प्रशिक्षण कार्यक्रम सभी विधायकों के लिए बहुत ही सहयोगी रहेगा। विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण व कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सभी विधायकों को सदन की कार्यवाही से अवगत कराया है। उनके लिए यहाँ पर थोड़ा सा डेढ़ घंटे का करीबन प्रशिक्षण शिविर आयोजन किया गया था। सभी को बताया गया है कल से जो है वो विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है, उसी के बारे में विधानसभा अध्यक्ष ने, माननीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने और सभी सदस्यों को उसके बारे में जानकारी देने का काम किया है कि किस प्रकार से प्रश्नकाल होगा, किस तरह से गवर्नर एड्रेस होगा, किस प्रकार से डिस्कशन होंगी और साथ ही साथ में पूरी सभ्यता के साथ सबको जो है ये सत्र चलाना है। उसके लिए बताया गया है कि विधानसभा में चाहे सत्ता पक्ष हो विपक्ष हो,
सभी को ही अच्छे ढंग से मान मर्यादा में रहकर अपनी जो है विधानसभा की कार्यवाही में भाग लेना चाहिए। विपक्ष को मजबूती के साथ जो है आवाज उठानी भी चाहिए, अपने क्षेत्र की भी, प्रदेश की भी, और सरकार को पूरी तरह से मजबूर करना चाहिए कि वो अच्छे ढंग से कार्य करें। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी ने हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 14 से बढ़ाकर 15 नवंबर कर दी है। बोर्ड के प्रवक्ता ने बताया कि बोर्ड द्वारा अध्यापक पात्रता परीक्षा लेवल 1, 2 व 3 के लिए 7 व 8 दिसंबर को करवाया जा रहा है। अभ्यर्थी अपने आवेदनों में 16 व 17 नवम्बर को ऑनलाइन माध्यम से संशोधन कर सकते हैं। इसके बाद कोई भी प्रार्थना या प्रतिवेदन किसी भी माध्यम से स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यदि कोई अभ्यर्थी एक लेवल के लिए 1 से अधिक आवेदन करता है तो उसका आवेदन रद्द कर दिया जाएगा। अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन में कोई परेशानी आती है तो हेल्पलाइन नंबर 8938001176 और 8958001178 व ईमेल आईडी hthelpdesk@gmail.com पर भी संपर्क कर सकते हैं। राजधानी दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत के कई शहरों में आज सुबह सीजन के पहले कोहरे के साथ स्मोग की मोटी चादर छाई रही, जिससे दृश्यता पर काफी असर पड़ा है। दृश्यता का स्तर 50 मीटर से कम पहुंचने से सड़क मार्ग से लेकर हवाई और रेल यातायात भी प्रभावित दिखाई दिया। अन्य राज्यों में ऐसी ही स्थिति देखने को मिली। राजधानी में दृश्यता में कमी के साथ ही मौसम में ठंडक भी बढ़ गई है। स्मोग के कारण सुबह कम संख्या में लोग सैर को निकले। गुरुग्राम में वायु गुणवत्ता लगातार खराब होने के कारण शहर में धुंध की मोटी परत छाई हुई है। प्रदेश के कई जिलों में छाई धुंध और धुएं की चादर के कारण लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हिसार में स्मोग व धुंध के कारण 2 दिनों से सुबह के समय दृश्यता काफी कम हो गई है। इस कारण लोग वाहनों की लाइटें जलाकर सफर कर रहे हैं। ट्रेनें भी निर्धारित समय से देरी से पहुंच रही हैं। हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर मदन लाल खीचड़ का कहना है कि पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से उत्तरी पश्चिमी हवाएं बदलकर पूर्व की ओर से चलनी शुरू हुई है। इसी से वातावरण में नमी आई और धुआं व धुंध की आपस में मिलने से स्मोग की स्थिति उत्पन्न हो रही है। 1-2 दिन तक ऐसी स्थिति बने रहने की संभावना है। उन्होंने कहा कि बारिश होने या हवा की तेज गति से स्मोग की है चादर छंट सकती है। कल अधिकतम तापमान में 3 डिग्री तक की कमी देखी गई, जो आने वाले दिनों में और भी कम हो सकती है। एक पश्चिमी विक्षोभ पास किया था, पहाड़ों की तरफ बढ़ा था, उसके कारण हवा में बदलाव आया और हवाएं जो उत्तर पश्चिम में चल रही थी वो पूर्वाई हुई और नमी वातावरण में आ गई, जिसके कारण धुआं था ही वातावरण में, दोनों मिक्स होके संघनित हुए और संघनित होके ये कोहरा ये समाग का रूप धारण कर लिया। और अभी 1-2 दिन इसकी स्थिति और बनी रहने की संभावना, और उसके बाद में भी एक पश्चिम विक्षोभ पास करेगा जिसके कारण फिर हवा में बदलाव आ सकता है, क्योंकि ये 2 ही कारणों से कम हो सकता है, एक बारिश होना और एक हवाएं तेज चलना। बारिश की अभी कोई संभावना नहीं बन रही है और हवाएं तेज चलने की उम्मीद करते हैं। उधर मौसम में हुए बदलाव का असर जींद जिले में भी दिखने लगा है। लोगों को आवाजाही में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं किसानों ने इसे फायदेमंद बताते हुए कहा है कि इस कोहरे से नमी पैदा होगी, जिससे सिंचाई करना आसान होगा। किसानों ने यह भी बताया कि उन्होंने गेहूं की बिजाई आरंभ कर दी है। थोड़ा पानी लग रहा है उनके खातिर, या धुंध जो पहले दिनों बहुत अच्छी साबित हो रही है, क्योंकि उनके जो गेहूं की बिजाई जो है चलने लग रही है, उनका बहुत घना फायदा भी होगा। जिसके पानी की कमी है वो पानी की पूर्ति पूरी होगी और पैदावार ज्यादा होगी। जहाँ पानी की कमी होती है वो पानी की पूरी पूर्ति होगी और बिजाई बढ़िया होगी। किसान के कम पानी लगे उसमें थोड़ी सी नमी कम है तो उसमें थोड़ी ही किसान को राहत मिलेगी और इस वजह से किसान का फायदा भी होगा। और हम 3-4 किलो तो मैंने आज बो दिए हैं और भी आगे बिजाई शुरू है, काम हमारा बहुत जल्दी चल रहा है। वहीं सिरसा जिले के किसान दूसरे दिन भी धुंध छाई रहने से खुश दिखाई दे रहे हैं। उनका कहना है कि यह समय गेहूं, सरसों, चना की बिजाई के लिए उपयुक्त है और मौसम का उन्हें भरपूर साथ मिल रहा है। इस मौसम में फसल की पैदावार अधिक होगी। कृषि विभाग के उप निदेशक डॉक्टर सुखदेव कंबोज ने कहा है कि धान की फसल की 75% तक कटाई की जा चुकी है और क्षेत्र में गेहूं, चना, सरसों सहित अन्य फसलों की बिजाई की गई है, जिन पर ओस की बूंदें नाइट्रोजन का काम करती
होती हैं, इससे फसल में ज्यादा फूटाव होता है। अब तापमान बिल्कुल अनुकूल है और किसान बिजाई कर रहे हैं। लगभग हमारे 15% क्षेत्र के अंदर गेहूं की बिजाई पूर्ण हो चुकी है और सरसों की हमारी बिजाई 90% तक पूर्ण हो चुकी है। इससे गेहूं की अंकुरित होने में बहुत फायदा होगा, क्योंकि तापमान जब कम होता है तो गेहूं जल्दी अंकुरित होती है, और सही तापमान जो 22 डिग्री से कम होता है वो सही तापमान अब है। 20 डिग्री टेम्परेचर जो डे और नाइट का है, ये गेहूं के लिए और सरसों के लिए बिल्कुल अनुकूल तापमान है। उन्होंने कहा कि इस बार जिले में पराली जलाने की घटनाओं में कमी देखने को मिली है। इस बिजाई सीजन में किसानों को डीएपी की कमी नहीं है, जितनी मांग की थी उसमें से 31,000 मीट्रिक टन डीएपी उपलब्ध हो चुकी है। वहीं किसानों ने कहा कि इस धुंध से फसलों को लाभ मिलेगा और गेहूं की फसल में फुटाव भी अच्छा होगा। सर्दी की पहली धुंध है, इससे फसलों को फायदा होगा और दोनों की राहत मिलेगी लोगों को, और इसमें जैसे सरसों की फसल है और गेहूं की फसल है वो अच्छी हो गई। पहले दिन आई है जी धुंध, यूँ सरसों ने और फसल फायदो है रहो जो कि प्रदूषण हो रहे हैं, यूँ कहीं कहीं छुटकारा मिलेगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की पहली पूर्ण महिला बटालियन की स्थापना को मंजूरी दे दी है। सीआईएसएफ महिलाओं के लिए सेवा देने का पसंदीदा विकल्प रहा है। वर्तमान में बल में महिलाओं की हिस्सेदारी 7% से अधिक है। महिला बटालियन के गठन से देश भर की युवा महिलाओं को सीआईएसएफ में शामिल होने और देश सेवा करने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। इसके साथ ही सीआईएसएफ में महिलाओं की एक नई पहचान बनेगी। गृह मंत्री अमित शाह ने एक्स पर कहा कि राष्ट्र निर्माण के हर क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के मोदी जी के दृष्टिकोण को साकार करने की दिशा में एक मजबूत कदम में मोदी सरकार ने सीआईएसएफ की पहली पूर्ण महिला बटालियन की स्थापना को मंजूरी दे दी है। एक विशिष्ट टुकड़ी के रूप में उभरने के लिए महिला बटालियन देश के महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे जैसे कि हवाई अड्डों और मेट्रो रेल की रक्षा करने और कमांडो के रूप में वीआईपी सुरक्षा प्रदान करने की जिम्मेदारी उठाएगी। यह निर्णय निश्चित रूप से राष्ट्र की रक्षा के महत्वपूर्ण कार्य में भाग लेने के लिए अधिक महिलाओं की आकांक्षाओं को पूरा करेगा। निजी स्कूलों में सुरक्षित वाहन पॉलिसी की अनुपालन की जांच के लिए आज हरियाणा राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की टीम रेवाड़ी पहुंची। टीम के सदस्यों ने जांच अभियान के दौरान विभिन्न स्कूलों के 200 से अधिक वाहनों की जांच की। जांच के दौरान टीम को प्राथमिक उपचार किट, अग्निशामक यंत्र, सीसीटीवी कैमरा और किसी विद्यालय में महिला सहायक, जीपीएस, सीट बेल्ट और अन्य सुरक्षा मापदंडों की कमियां मिली। कमियों के चलते 30 वाहनों के चालान भी किए गए हैं। वहीं स्कूल संचालकों को सुरक्षित वाहन पॉलिसी के नियमों का सख्ती से पालन करने की चेतावनी दी गई। हरियाणा राज्य बाल अधिकारी संरक्षण आयोग के सदस्य गणेश कुमार और सुमन राणा ने कहा कि रेवाड़ी के निजी स्कूलों में पहुंचकर वाहनों में सुरक्षित पॉलिसी के तहत नियमों के पालन की जांच की। आगे भी यह जांच जारी रहेगी, इसलिए सभी विद्यालय सख्ती से नियमों का पालन करें। बच्चों की सुरक्षा को लेकर प्रदेश सरकार कृत संकल्प है। बसों के अंदर क्या क्या चीजें जो गवर्नमेंट के नॉर्म्स हैं वो कंप्लीट करने होते हैं, लेडी अटेंडेंट है जो कि यहाँ पूरी नहीं है, और उसके बाद कुछ फर्स्ट एड बॉक्स भी हैं वो भी चेक करने होते हैं, कोई एक्सपायरी डेट ना हो, फायर सिलेंडर हैं वो भी करने होते हैं, कंडक्टर ड्राइवर्स की जो यूनिफॉर्म होती है, यानी कि जो गवर्नमेंट के नॉर्म्स है वो हम कंप्लीट चेक कर रहे हैं। यदि कमियां मिल रही हैं तो सबसे पहला तो है कि हमारा जो मकसद है वो चालान करवाना नहीं है, बसों को अपडेट करवाना है ताकि हमारे लिए बच्चों की जिंदगी परमिट ऐसा नहीं, स्कूल जितने भी स्कूल हमने आज देखे हैं रेवाड़ी में तो ऑलमोस्ट परमिट सबके हैं, हमने चेक कर भी करवाए हैं, आरटीए की टीम हमारे साथ हैं, परमिट सबके मिल रहे हैं। जो ये कमियां मिल रही हैं किसमें फर्स्ट एड बॉक्स नहीं है, किसी में उनके लाइसेंस एक दो जगह ऐसे ही मिले थे उनका लाइसेंस एक्सपायर हो चुका था, आरसी भी एक आधी एक्सपायर मिली है, फायर सिलेंडर एक्सपायर्ड मिले हैं, और बाकी स्कूल वैसे ठीक ठाक मिले, एक दो स्कूलों में ज़्यादा कमियां मिल रही हैं उनके चालान भी हो रहे हैं उसके अकॉर्डिंग। जैसे लेडी बस अटेंडेंट है, लड़कियाँ अगर बच्चियाँ बसों में आती हैं तो उसमें लेडी अटेंडेंट मैंडेटरी है उसमें एज पर सुरक्षित वाहन।
देश भर में अपराधियों और अवैध निर्माण को लेकर बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने आज अपना फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा बुलडोजर जस्टिस स्वीकार्य नहीं है। सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि आरोपी होने पर भी आप किसी का भी घर गिरा नहीं सकते हैं। सख्त रुख अपनाते हुए अदालत ने कहा कि किसी भी कीमत पर जिम्मेदार अधिकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। यह फैसला जस्टिस बी आर गवई और जस्टिस के वी विश्वनाथन की पीठ ने सुनाया। कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन कानून का उल्लंघन बताया। कोर्ट ने कहा कि जब किसी का घर गिराया जाता है तो यह उस परिवार के सभी सदस्यों पर सामूहिक दंड के बराबर है, जिसे संवैधानिक प्रावधानों के तहत अनुमति नहीं दी जा सकती। अगर घर छीन लिया जाता है तो प्रशासन को यह दिखाना होगा कि ऐसा करना अंतिम उपाय था। इसके साथ ही बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन भी तय की है। बुलडोजर एक्शन से पहले नोटिस देना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि बिना कारण बताओ नोटिस के कोई भी मकान नहीं गिराया जाना चाहिए। इसके साथ ही बिना पक्ष सुने कोई भी एक्शन नहीं होना चाहिए। कम से कम 15 दिनों का वक्त दिया जाना चाहिए। नोटिस रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से भेजा जाना चाहिए और इसके साथ ही मकान के बाहर भी इसे चिपका देना जाना चाहिए। अथॉरिटी को, मकान मालिक को सुनवाई का मौका जरूर देना चाहिए। साथ ही डिमोल्यूशन की प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी करनी चाहिए। डिमोल्यूशन रिपोर्ट को डिजिटल पोर्टल पर डाला जाना चाहिए। अगर कोई अधिकारी इन दिशा निर्देशों की अवहेलना करता है तो उसके खिलाफ अदालत की अवमानना का मामला चलेगा। साथ ही अधिकारियों को पता होना चाहिए कि अगर वे इसका उल्लंघन करके डिमोलिशन करते हैं तो फिर से मकान बहाली की जिम्मेदारी उनकी होगी। इसका खर्च अधिकारियों को अपनी जेब से भरना होगा। मकान मालिक को भेजे गए नोटिस की एक कॉपी ऑफिस कलेक्टर या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को भेजी जानी चाहिए। खेल एवं युवा मामले के मंत्री गौरव गौतम ने आज पंचकुला में 46वीं ऑल इंडिया शहीद भगत सिंह ट्रॉफी का अनावरण किया। हरियाणा स्पोर्ट्स वेलफेयर एसोसिएशन एंड क्रिकेट फेडरेशन ऑफ हरियाणा की ओर से 25 से 28 नवंबर तक करवाई जा रही इस अंडर 19 प्रतियोगिता में 10 राज्यों के खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। इस अवसर पर खेल मंत्री ने कहा कि प्रतियोगिता में हरियाणा के युवा अच्छा खेल दिखाकर प्रदेश का नाम रोशन करेंगे। खिलाड़ियों की राजनीति में आने के सवाल पर उन्होंने कहा कि राजनीति कोई भी कर सकता है, लेकिन खेलों में राजनीति नहीं होनी चाहिए। हरियाणा सरकार ने ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं के लिए 1500 से ज्यादा खेल नर्सरियां खोली हैं। सरकार ने खिलाड़ियों की प्रोत्साहन राशि में बढ़ोतरी के साथ उन्हें सभी सुविधाएं भी मुहैया करवाई हैं, जिससे वे देश व विदेश में हरियाणा का नाम चमका रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं के लिए 1500 से ज्यादा नर्सरी, हर इलाके में नर्सरियां, खेल नर्सरियां खोली हैं और मुझे उम्मीद है उनकी कोचेस, अच्छे कोचेस वहां पर लगे हैं। आने वाले समय पर युवाओं में अलग प्रकार का क्रेज निकल कर आएगा और ग्रामीण युवा निकल कर देश और दुनिया में हमारा नाम। पिछले 10 सालों में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और अब नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में बहुत एक आमूलचूल परिवर्तन खेलों में, चाहे उनका प्रोत्साहन हो, चाहे उनको सुख सुविधाएं हो, हर प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर हो, हर प्रकार की सुविधा देने का काम हमारे नरेंद्र मोदी जी की सरकार और नायब सिंह सैनी सरकार कर रही है। कार्यक्रम में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष ज्ञान चंद गुप्ता ने कहा कि स्पोर्ट्स प्रमोशन सोसाइटी के माध्यम से खेलों से जुड़े हुए हैं और राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताएं करवाने का अवसर देकर ग्रामीण खेलों को बढ़ावा दिया गया है। वाइस चेयरमैन रंजीता मेहता ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया। श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में पाकिस्तान की धार्मिक यात्रा पर जाने वाले जत्थे को आज कुरुक्षेत्र से रवाना किया गया। हरियाणा सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के प्रधान जत्थेदार भूपेंद्र सिंह असंद, जूनियर वाइस प्रधान बीबी रविंदर कौर अजराना और स्पोक्समैन कमलजीत सिंह अजराना ने हरी झंडी दिखाकर जत्थे को रवाना किया। भूपेंद्र सिंह असंद ने बताया कि हर साल बड़ी संख्या में सिख संगत पाकिस्तान स्थित गुरु घरों के दर्शन के लिए भेजी जाती है। इस बार श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में करीब 153 श्रद्धालु 10 दिनों के लिए पाकिस्तान स्थित धार्मिक स्थलों के दर्शन करेंगे। वहीं एयरपोर्ट पर सिख कर्मचारियों को कृपाण न रखने के सवाल पर उन्होंने कहा कि कृपाण सिख धर्म का अभिन्न अंग है, ये किसी दुश्मनी या वैर विरोध के लिए धारण नहीं की जाती। हम सरकार से मांग करेंगे कि इस आदेश को हटाया जाए।
ਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿਜੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਅੱਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਮੁੱਚੀ ਹਰਿਆਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਦਾਸ ਨੂੰ ਇਹ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਅੱਜ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਉਪਰਾਲੇ ਸਦਕਾ ਅੱਜ ਵਿਜੇ ਆਏ ਹਨ। ਅੜੇ ਦੀ 555 ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ, ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਕਰੋੜ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜੱਥਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੱਥਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਵਾਰੀ 80% ਵੀਜ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਸਦਕਾ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਚਾਰਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਉਪਰਾਲੇ ਸਦਕਾ ਇਹ ਵੀਜ਼ੇ ਲਗਵਾਏ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਥੇ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਗੁਰਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਨਿਤਨੇਮ ਚਾਪਾ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣ। की डेपुटेशन पर नियुक्ति की गई है। यहाँ पर 14-14 दिनों के रोटेशन पर दो डॉक्टर्स मरीजों की जांच करेंगे। इस सुविधा का लाभ महिलाओं, खासकर गर्भवती महिलाओं को मिल रहा है। नारनौल के नागरिक अस्पताल की मेडिकल सुपरिटेंडेंट आशा शर्मा ने बताया कि 11 नवंबर से यहाँ 8 डॉक्टरों की रोटेशन वाइज 14-14 दिनों के लिए तैनाती की गई है। दो डॉक्टर रोस्टर वाइज प्रतिदिन यहाँ पर ड्यूटी देंगी। स्वास्थ्य मंत्री ने 8 गायनेकोलॉजिस्ट की गुड़गांव से, पटौदी से यहाँ डेपुटेशन किया है। सिविल सर्जन गुड़गांव ने उनका रोस्टर बना के अभी हमारे पास 2 को भेजा है 14 दिन के लिए, डॉक्टर सुमन को, डॉक्टर योगेश्वरी को। और इनके आने से अब तक टोटल 13 सिजेरियन हो चुके हैं, और उससे पहले मजबूरी में यहाँ से रेफर करना पड़ रहा था, जिससे लोगों को परेशानी हो रही थी, और अब काम सुचारू रूप से चल रहा है। यहाँ देखिए, सिजेरियन बिल्कुल फ्री होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट। पेशेंट को डाइट भी दी जाती है, उसकी केयर की जाती है, काउंसलिंग भी होती है, बच्चे को बर्थ डोजेस इम्यूनाइजेशन की जाती है। वहीं डेपुटेशन पर आए चिकित्सक डॉक्टर सुमन सहारन ने कहा कि उनका गुरुग्राम से डेपुटेशन हुआ है। यहां आने पर उन्हें काफी अच्छा लगा, क्योंकि डॉक्टर नहीं होने से महिलाओं को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। 3 दिनों में 13 ऑपरेशन करके डिलीवरी भी की जा चुकी है, जबकि नॉर्मल डिलीवरी अलग है। नॉर्मल डिलीवरी भी कंटिन्यू चल रही है, और यहाँ पे काफ़ी स्टाफ से और सबसे मुझे काफ़ी सहयोग मिला है। स्टाफ काफ़ी अच्छा है, ट्रेन्ड स्टाफ है ओटी में भी, और मरीज भी काफ़ी अच्छे हैं और काफ़ी तादाद में आ रहे हैं। जैसे संडे को थोड़े कम थे, मंडे से काफ़ी मरीज आ गए। सबको मतलब इन्फॉर्मेशन है कि यहाँ पे डॉक्टर आ गई हैं। ऑपरेशन से डिलीवरी करवाने वाली लाभार्थियों का कहना है कि नागरिक अस्पताल में उनकी निःशुल्क डिलीवरी करवाई गई है। अस्पताल में स्पेशल डॉक्टर की तैनाती पर उन्होंने स्वास्थ्य विभाग और हरियाणा सरकार का आभार जताया। ऑपरेशन हुआ है बहुत अच्छे से, और सारी फैसिलिटी बहुत अच्छी है, यहाँ पे कोई परेशानी नहीं हुई, और अभी मैं ठीक हूँ बिल्कुल। सब कुछ फ्री हुआ, कुछ भी नहीं लगा, 1 रुपया भी नहीं लगा। प्राइवेट में तो बहुत ही खर्चा हो रहा था, मैं प्राइवेट में ही दिखा रही थी, तो वहाँ पे ज़्यादा बताया, तो मैं इधर आई। मेरी डिलीवरी सरकारी नारनौल के सरकारी हॉस्पिटल में हुई है, जहाँ मतलब मुझे सारी फैसिलिटी वगैरह बहुत अच्छे से दी गई हैं, और कोई दवाई वगैरह का कोई भी खर्चा वगैरह कुछ नहीं हुआ। अगर प्राइवेट सोनीपत साइबर पुलिस ने डिजिटल रूम पे लोगों को ठगने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है। आरोपित देश भर में ठगी की 2473 वारदातों को अंजाम देकर 8,78,00,000 रुपए ठग चुके हैं। इंस्पेक्टर बसंत ने बताया कि गिरफ्तार आरोपित मोहसिन महाराष्ट्र के पेट सांगली, विरानी विवेक गुजरात के जिला सूरत के धर्मिष्ठा पार्क, श्रवण उर्फ काकू राजस्थान के जिला जोधपुर के गांव ढाणिया लवेरा, विनेश टांग सूरत, आकाश गोयानी राजस्थान और तुषार प्रताप उत्तर प्रदेश के लखनऊ के सराय हसनगंज का रहने वाला है। इन्होंने 8 करोड़ से अधिक की ठगी की है। उन्होंने कहा कि साइबर ठगी का नया तरीका है, ठग व्हाट्सएप या फिर अन्य किसी ऐप माध्यम से वीडियो कॉल करते हैं, ये पुलिस की वर्दी में होते हैं या फिर खुद को सीबीआई अधिकारी बताते हैं और बैकग्राउंड में थाने का पूरा सेटअप दिखाते हैं। लोगों को सावधान रहने की जरूरत है और ठगी का एहसास होने पर तुरंत साइबर पुलिस को सूचित करें। निशाना बनाया है, उनसे वो लिंकेज जो है निकलती है, उसके पश्चात उसमें जो ये लगभग 2,250 कंप्लेंट्स मिली, जिनमें टोटल कंप्लेंट्स इतनी हैं, उनमें ये लगभग उतने का फ्रॉड है।
तो बाकी सभी से डाटा शेयर कर दिया गया है और बाकी पुलिस भी ना प्रोडक्शन पर लेकर कितने करोड़ रुपए का फ्रॉड सामने आया? लगभग 9.25 करोड़ रुपए का फ्रॉड सामने आया। टोटल 9 व्यक्ति गिरफ्तार हुए हैं, जिनमें से लखनऊ गुजरात के हैं और लालसोट राजस्थान से हमने इनको अरेस्ट किया है। ये जो लोग हैं इस तरह कॉल करते हैं, आपको स्काइप पे करते हैं या व्हाट्सएप वीडियो कॉल करते हैं, आपको इसी तरीके से किसी आपने पार्सल भेजा या आपका कोई मनी लॉन्ड्रिंग में फंसे हुए हो, इस तरह डर भय दिखाकर और अरेस्ट का भय दिखाकर उनसे पैसे ट्रांसफर कराते हैं। तो समाचारों में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।